A solid sphere and solid cylinder of identical radii approach an incline with same linear velocity. Both roll without slipping all throughout. The two climb maximum heights, h sphere and h cylinder, on the incline. The ratio h sphere upon h cylinder is given by. So ये सिचुएशन दे रखी है हमें, एक स्फीयर एक सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर दोनों को सेम लीनियर वेलोसिटी प्रदान की गई और उनकी कुछ अलग अलग हाइट चढ़े होंगे वो, सो उन हाइट का रेशियो ही निकालना है। खैर, वी कैन सिंपली अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट इज़ अ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। ये कैंसिल और h का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर बाई टू जी वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच। ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम यूज़ की गई थी तो हम वी स्क्वायर बाई टू जी को हटा सकते हैं और सिंपली कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। तो वी कैन सिंपली राइट सम सी कॉन्स्टेंट वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और रेशियो शुरू कर देते हैं निकालना, सॉलिड स्फीयर अपॉन एच सॉलिड सिलेंडर विच इज़ वन प्लस, स्फीयर के लिए टू बाई फाइव लेते हैं आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस, सिलेंडर के लिए आर स्क्वायर बाई टू लेते हैं आर स्क्वायर, सो वी गेट फाइव टू बाई सेवन बाई फाइव अपॉन थ्री बाई टू। सो एच सॉलिड सिलेंडर अपॉन सॉलिड स्फीयर, सॉरी सॉलिड स्फीयर अपॉन सॉलिड सिलेंडर एज सेवन बाई फाइव इंटू टू बाई थ्री 14 by 15. That is the correct answer of the question.